यार बहुत अच्छी फीलिंग है. बचपन से एक ही सपना था कि फिल्म एक्टर बनूं, एक फिल्म बनाऊं, उसको पेश करूं और अगर लोगों का प्यार मिले तो बहुत अच्छा होगा. और लोगों का प्यार मिल रहा है, इतनी इज्जत मिल रही है फिल्म को, लोग परफॉर्मेंस को इतना सराह रहे हैं, इतने कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं बाहर से, दोस्तों से, फिल्म इंडस्ट्री से, तो इससे बेहतर फीलिंग हो ही नहीं सकती. कॉम्प्लीमेंट्स तो टच वुड काफी मिले हैं. लोग ये कह रहे हैं कि फिल्म में वर्धन पुरी दिखाई नहीं, मुझे सिर्फ साहिल मेहरा दिख रहा था, मुझे सिर्फ सूर्या मेहरा दिख रहा था. तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. लोग कह रहे हैं कि ऐसे लगता ही नहीं है कि यू नो फर्स्ट फिल्म है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है. जितने यूट्यूब कमेंट्स है सबने ये लिखा है कि ये देख के मिस्टर अमरीश पुरी बोल रहे होंगे हेवन में, वो गैम्बो खुश हुआ. तो मुझे लगता है ये जितने कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो बहुत ही मेरे दिल के पास है. मेरे पेरेंट्स ने देखी फिल्म, मेरी बहन ने फिल्म देखी और वो यकीन नहीं कर पाए कि वो मैं था स्क्रीन पर, क्योंकि उन्हें सिर्फ कैरेक्टर दिखा. मेरे दोस्तों को भी ऐसा लगा, जितने सीनियर, जितने दिग्गज एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स हैं इस हमारे देश के, उन्होंने फिल्म देखी, मुझे कॉल्स किए, मैसेजेस किए. मेरे मेंटर मिस्टर आदित्य चोपड़ा ने कुछ बहुत ही अच्छे शब्द कहे मेरे परफॉर्मेंस को लेकर और फिल्म को लेकर. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है. रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब आपकी फिल्म को इतना प्यार मिलता है, क्योंकि फिर लोग देखने लगते हैं कि सेकंड फिल्म क्या होगी इसकी. तो बस अभी सेकंड फिल्म को बहुत ही बारीकी से चुननी होगी और मेहनत यही है कि सेकंड फिल्म जो हो इससे भी और बेहतर हो और ऑडियंस को इससे भी ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि इस फिल्म को तो प्यार मिला ही है. अब मेरा बस एक ही एम है कि अगली फिल्म जो भी मैं चुनूं उसमें एक अलग पहलू दिखे मेरी पर्सनालिटी का, मेरे पर्सनल कैरेक्टर का. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बढ़ जाती है जब आपकी फिल्म को, पहली फिल्म को इतना प्यार मिलता है. मुझे लगता है कि एक स्टोरी फिल्म का हीरो होती है. तो जब इस स्टोरी को हमने डेवलप किया, जब इस स्टोरी को हमने लॉक किया, तब मेरी अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ आई कि यार काश मैं इस फिल्म को कर पाऊँ बतौर एक्टर. और मेरे प्रोड्यूसर्स को लगा, मेरे डायरेक्टर को लगा, स्टूडियो ओनर्स को लगा कि मैं इसके लिए परफेक्ट कास्टिंग हूँ. पर फिर मुझे अचानक डर सा लगने लगा कि ये एक इतना बड़ा जिम्मा है जो मुझे उठाना है, तो क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? क्या मैं ऐसे इतने कॉम्प्लेक्स रोल के लिए यू नो तैयार हूँ? तो मैंने उनसे एक विनती की कि प्लीज़ मेरा ऑडिशन लीजिए, मैं एक हफ्ता, 10 दिन, जितने दिन चाहूँ मैं, जितने दिन आप चाहें मैं ऑडिशन कर सकता हूँ. फिर मुझे एक बार ज़रा प्लीज़ आप टेस्ट दिखाएं और अगर मुझे लगता है कि मैं करेक्ट हूँ फिर ही आप मुझे लॉक करें. इसे यार ये क्या बात हुई, लोग तो इनफैक्ट कहते हैं कि प्लीज़ मेरा ऑडिशन मत लीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझे ले लीजिए. तुम उल्टा कर रहे हो, मैंने बोला हाँ, क्योंकि फिल्म की कास्टिंग बहुत ज़रूरी होती है. तो 10 सीन हमने 7 दिनों तक लगातार शूट किए, 12 घंटे हम शूट करते थे. फिर उसे एडिट किया, खार के प्रदीप सरकार साहब के स्टूडियो पे मुझे वो दिखाया गया और मैं बैठा था, स्टूडियो ओनर्स बैठे थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सारे बैठे थे और हम सब ने साथ में मिलके ये यू नो ये डिसीशन लिया कि मुझे फिल्म के लिए लॉक करने वाले. तो वो एक बहुत ही सरियल सा टाइम था और बहुत ही कमाल की फीलिंग थी तभी. डेफिनेटली हैज़ टू बी अ स्क्रिप्ट जो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगे, पर मुझे बहुत मन है कि मैं कॉमेडी करूँ, सोशल कॉमेडी करूँ. और फिंगर्स क्रॉस्ड मेरी अगली फिल्म कॉमेडी होगी. जिन्होंने फिल्म देखी है उनको यही कहना चाहूँगा कि आप ही ने इस फिल्म को सक्सेसफुल बनाया, आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा. और ना सिर्फ मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आपको थैंक यू कहूँगा. प्लीज़ जाके दोबारा ये फिल्म देखिए, क्योंकि ये वैसी फिल्म है जो सेकंड टाइम वॉचिंग में आपको और भी पसंद आएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ. और रही बात उन लोगों की जिन्होंने फिल्म नहीं देखी हो, प्लीज़ जाके रिव्यूज़ देखिए, प्लीज़ जाके सुनिए लोग क्या कह रहे हैं, लोगों को फिल्म बहुत पसंद आ रही है. आप भी प्लीज़ हमें एक मौका दीजिए, आपकी मोहब्बत का एक हिस्सा हमें भी दीजिए. प्लीज़ जाके थिएटर में ये फिल्म को देख के आइए और आशा करता हूँ कि आपको ये फिल्म बाकियों की तरह बहुत अच्छी लगेगी. तो प्लीज़ मौका दीजिए हमें, जाएँ थिएटर और इन्जॉय कीजिए.